हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी करेले। उसके लिए हमें क्या चाहिए, आधा किलो ये हमने करेला लिया हुआ है और ये 250 ग्राम प्याज है, एक हरी मिर्च है। हमने इसे अच्छे से धो के करेलों को गोल गोल काट लिया है, ज्यादा मोटा नहीं काटा है, बारीक बारीक काटा हुआ है। अगर इसके बीज मुलायम है तो आप इसी तरीके से काट ले, और अगर कड़े हैं तो इनके बीज निकाल दें। मैंने इसको बीज के साथ ही काटा है क्योंकि हमारा जो है करेला मुलायम था। देखिए कहीं कहीं इसमें बीज है लेकिन ये मुलायम है। प्याज को भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है और अब हम गैस जलाते हैं। हमने गैस जला दिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाल दिया है इसमें। तेल गर्म होने पर इसमें हम तड़का डालेंगे जो कि एक चम्मच अचारी मसाला है जिसे हम पंचफोरन बोलते हैं, एक छोटी लाल मिर्च है, ये हम तड़का में डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हल्का हल्का धुआं आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का हमारा हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए चलाते रहेंगे तेज आंच पर और फिर इसमें करेले डाल देंगे। लगभग मैंने प्याज 2 मिनट भुना हुआ है, अब इसमें मैं करेले डालूंगी। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये अमचूर पाउडर है लेकिन इसे हम बाद में डालेंगे। ये सभी चीज आधा आधा चम्मच है। अब हम इसे ढकेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हम देख देख के चलाते रहेंगे, इसे गलने तक पकाना है। गैस को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर पर हमें इसे खोल खोल के चलाते रहना है ताकि अच्छे से गल जाए। मैंने इसे पहले भी 2-3 बार खोल के चला दिया था। अभी इसमें प्याज बिल्कुल गल चुका है, अब देखिए, लेकिन अभी भी इसको हमें थोड़ी देर पकाना है। इसे अभी ढक दूंगी मैं। हमारे करेले लगभग बन चुके हैं, प्याज बिल्कुल ही इसका गल गया है, यानी ये रेडी है। अब इसमें लास्ट में मुझे कुछ और डालना है, ये है आलू भुजिया। इसको डालने से इसका स्वाद बिल्कुल दोगुना हो जाता है, तो इसे जरूर ट्राई करें आप। और थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी जो कि आधा चम्मच है। इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसमें आलू भुजिया थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ज्यादा देर के लिए नहीं रखना है, मुश्किल से 5 मिनट, और इसके बाद इसे हम गैस बंद करके उतार लेंगे। आलू भुजिया मेरी सॉफ्ट हो चुकी है, जो इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला था वो भी अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब ये हो चुका है और इसे अब हम गैस बंद करेंगे। करेले को मैंने स्किन के साथ ही बनाया है, इसी तरीके से बनाएं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। गैस बंद कर देती हूँ। लीजिए दोस्तों, हमारे करेले बनके तैयार हैं। अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।